कुल्लू विधानसभा क्षेत्र से नवनिर्वाचित विधायक सुंदर ठाकुर का कहना है कि वे अपने विधानसभा क्षेत्र के रूपी वैली, लाख घाटी, महाराजा खड़हैल घाटी के लोगों के लिए कुल्लू में करोड़ों रुपए की लागत से बहुउद्देशीय सदन बनाएंगे। उन्होंने घाटी के लोगों से बातचीत करके कुल्लू में जगह तलाश करने की बात भी कही है। मैं राजनीति से ऊपर उठकर सभी की सेवा करना चाहता हूं और सभी व्यक्ति, जैसे मैं पहले भी कह चुका हूं, मुझसे सीधे तौर पे मिले, किसी बिचौलिए या किसी के माध्यम से मिलने की ज़रूरत नहीं है। कोई ऐसा, मैं सीधे तौर पे सबसे मिलना चाहता हूं, क्योंकि मैं खुद एक ग्रामीण परिवार का व्यक्ति हूं, गांव से उठा हूं, संघर्ष से आज लगवैली में मैं शालंग में पैदा हुआ। उसके बाद हमारा परिवार शमशी आज से लगभग 40 साल पहले शमशी की तरफ गया, फिर शमशी से मैं कुल्लू आकर अभी 20 साल से यहाँ पे अपना मुझे एक बसने का मौका मिला है। मुझे सभी जगह मेरा अपना है और ख़ासतौर पे तीनों क्षेत्र ये मेरी विधानसभा में आते हैं। सभी लोगों ने मुझे प्यार दिया है और मैं चाहता हूँ, मैं महसूस करता हूँ कि हर एक व्यक्ति चाहता है कि सीधे वो अपने नेता से मिले और वे सभी लोग बेरोक टोक जब मर्जी मुझे मिल सकते हैं। मैंने कहा है कि मेरे कुल्लू घाटी में जितने भी गरीब लोग हैं, कोई भी मात्र इस वजह से परेशानी नहीं होनी चाहिए कि उनके पास, भगवान ना करे कभी बीमारी के हालात में, उनके पास पैसा ना होने की वजह से मेरा कोई गरीब साथी, हमारे कोई शहर का कोई गांव का गरीब ऐसे व्यक्ति लाचारी से, पैसे की कमी की वजह से अपने इलाज करवाने में महरूम या उन्हें कोई कमी नहीं आनी चाहिए। उसके लिए मैंने अपने जो मुझे वेतन मिलता है या अलाउंसेस मिलते हैं, मैंने कहा है कि मैं पूरे का पूरा पैसा उस पर लगाना चाहूँगा। और मुझे सुविधा मिलती है शिमला में, प्रवास जो हमारे आवास मिलता है उसमें हमें दो फ्लैट लेने की सुविधा मिलती है, क्योंकि एक फ्लैट में दो कमरे होते हैं। एक फ्लैट तो मुझे खुद मेरे अपने स्टाफ के लिए चाहिए होगा, कि विधानसभा के लिए तैयारी करनी पड़ती है, लेकिन एक उसकी पूरा एक फ्लैट आदि अकोमोडेशन सिर्फ उन ज़रूरतमंदों के लिए रहेगा जो शिमला में उपचार के लिए जाते हैं, और ख़ास तौर पे जो हमारे स्टूडेंट्स जो इंटरव्यू के लिए जाते हैं और कोई परीक्षा के लिए जाते हैं, और उनके पास इतना सुविधा नहीं होती कि वो होटलों में ठहर सकें। हमारे कोई भी व्यक्ति जो ऐसे ज़रूरतमंद जिन्हें शिमला जाकर बहुत दिक्कतें होती थी, ख़ासतौर पर शिमला में, आप खुद जानते हैं कि शिमला में रहने की और खाने पीने की बहुत दिक्कत रहती है। और मेरे पास उन्होंने कहा है कि जहां विकास की बात होगी तो वे प्रदेश सरकार का समर्थन करेंगे, और अगर सरकार विकास की पटरी से उतरेगी तो वे विपक्ष की भूमिका निभाने में भी गुरेज नहीं करेंगे। विधायक सुंदर सिंह ठाकुर ने कहा कि वे अपने विधायक निधि के भत्ते को गरीब तबके के लोगों के लिए खर्च करेंगे। के चैनल के लिए कुल्लू से लोकेश ठाकुर की रिपोर्ट।